सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो है हम इस वक्त सीकर, कल तो भाई बड़ा एडवेंचर वाला दिन रहा, आपने देखा होगा ब्लॉग तो भाई कल क्या नहीं हुआ, रास्ते में दो दो बार खतरनाक इंसिडेंट भी होते होते बचा। और उसके बाद फिर जब हम होटल पहुँचे, होटल में आग लग गया भाई। तो कल तो भाई कल का दिन जो है ना, रात में कैसे कैसे करके डर डर के, ये तो जनाब पता नहीं पहले बोल रहे थे कि नहीं भाई मैं तो मतलब क्या क्या बोल रहे थे यार, नहीं रुकेंगे चल जाएंगे, और आके फिर ऐसा सोया कि साला सीधे सुबह ही उठाया। तो अभी फिलहाल ऐसा प्लान है कि यहाँ से निकलेंगे, और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ आपको कि गया जनाब पॉटी करने के लिए, ठीक है, और पता नहीं क्या सिस्टम है, लाइट कटा पानी बंद हो गया ना, तो अब इसमें फंसे हुए थे, पता नहीं कैसे कैसे मैनेज करा, धोया भी गिरी धोया भगवान जाने, अब यही जानेगा भगवान के जानेंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम सीकर से सीधे भरतपुर के लिए, यहाँ कुछ डिस्टेंस लगभग 320 के आसपास डिस्टेंस है, तो अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं। अच्छा बात ये रहा कि चलो फिर भी सो गए, 3-4 घंटे का भी नींद ले लिया हम लोगों ने, क्योंकि ज़रूरी था 500 किलोमीटर राइड करने के बाद थोड़ा आराम करना। तो अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट और आगे आपको मिलते हैं अपने बाइक पे। ओके सो गाइज, आज का ये जर्नी हमारा हो गया यहाँ से शुरू, तो अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं सीधे भरतपुर के लिए। और ये जनाब अभी भी 14 किलोमीटर दिखा रहा है, पता नहीं इसका क्या हो गया, इसका सेंसर को लग रहा है सेंसर गया है इसका। तो भाई साहब कल जो अपने साथ कांड हुआ है ना होटल में, मतलब ये चलो रियली वेरी थैंक यू ऊपर वाले को भी, और भाई स्टाफ जो उन्होंने जल्दी इस पर कंट्रोल कर लिया ध्यान देकर, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब हो सकता था। और नुकसान कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा किचन में जो हुआ होगा, अदरवाइज़ जान माल का भी नुकसान हो सकता था, बट चलो ठीक है, रात में पावर आ गया था तो फिर हम सो भी गए, अगर पावर नहीं आता तो उसके बाद फिर जो है हम निकलते हैं। और अब यहाँ से अपना भरतपुर, लेकिन यार डीसी ने जो कांड करा है ना रात में यार, मतलब क्या बताऊँ यार मैं आपको, मेरा दिल उदास हो गया यार। एक तो यार काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था, मुझे लग रहा है इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, और जब आप पैनिक कर जाते हो ना तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके तो एक तो बात ये, और मुझे यार हंसी तब आ रहा है, ठीक है, हुआ क्या, जैसे ही पता चला कि आग लगा हुआ है वैसे ही क्या हुआ कि पावर कट हो गया, पावर कट हो गया, और पता नहीं कैसे जो पानी आ रहा था सप्लाई, मतलब जो पानी आ रहा था वो पानी भी आना बंद हो गया, सारे पानियाँ सीढ़ी में गिर रही थी। डीसी बैठा हुआ है बाथरूम में, यार जब आप राइड पर निकलते हो ना तो एक नहीं कई सारे छोटे मोटे परेशानियाँ आती हैं, खास करके अगर आप किसी के साथ हो तो भी। अब देख लो यार डीसी भाई अभी बता रहे हैं मेरे को कि यार गौरव वहाँ पे तो रूम में तो यार ठीक से हुआ नहीं, पेट क्लियर, पानी नहीं था, हो नहीं पाया, तो यार कहीं देखो पेट्रोल पंप, बोतल वोतल तो लाया नहीं यार कुछ भी, पूछता हूँ क्या है सिचुएशन। चलो आगे रुको, तो यार ये कह रहा है कंट्रोल, मैं क्या बताऊँ बताने में मुझे हंसी आ रहा है यार, क्या बताऊँ, छोड़ो यार छोड़ो। तो देखते हैं भाई जब तक कंट्रोल हो रहा है, डीसी को कंट्रोल कर रहा है, जहाँ इसको लगेगा कि भाई मामला दिक्कत हो रहा है वहाँ पे रोकेगा। वैसे कोई अभी तक खास वैसे दुकान मिला नहीं जहाँ पे बाथरूम वगैरह दिखे, ये छोटे मोटे ये सब तो गांव वाले एरिया हैं, मतलब रोड किनारे जो होते हैं छोटे मोटे राशन दुकान, तो यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। अच्छी बात बस ये है डीसी के लिए कि रास्ता बढ़िया है, रास्ता अच्छा है यार, तो
थोड़ा प्रेशर रोक के रखा होगा इसने, नहीं तो अगर रास्ता खराब होता तो भाई होता है ना उछल कूद वाला रास्ता, ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत आ गया तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। अब देखो पूरा गौर से देख रहा है कि कहीं पे भी मिल जाए। क्या रास्ता में रोक देगा क्या भाई? पानी में बोतल नहीं है, बताना भूल गया मैं डीसी को, क्योंकि होटल में भी पानी खत्म हो गया था, सारा पानी तो उन्होंने आग बुझाने में लगा दिया। और सुबह पता चला कि सुबह लाइट कट गया तो पानी चढ़ा ही नहीं, पता नहीं उन्होंने फिर जनरेटर ऑन करा पानी, जब तक हम रूम से निकले होटल में एक बूंद पानी नहीं था। ये देखो, देखा देखा इसको रेस्टोरेंट दिखा, बर्दाश्त नहीं हो रहा लग रहा इसको, इस चला कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ रोकेगा ये पक्का, यहाँ पीछे वॉशरूम मिल जाएगा। ठीक है भैया चलो, वॉशरूम तो मिल जाएगा इसको। भैया ये हो गया अपना चाय, पीछे कुछ काम हो रहा है तो इस कारण वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाएंगे, और धर्मेंद्र का भी काम हो गया। ठीक है अब आराम से चाय पीते हैं और चिप्स एक तो आ गया अपना, चिप्स खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर है तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। हो गया भाई इनका भी फिलहाल ठीक है अभी, हालांकि अभी भी थोड़ा थोड़ा इनको लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, बट 4.5 घंटे का रास्ता है, 266 किलोमीटर 266 किलोमीटर है। तो अब ऐसा करेंगे कि टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया भैया 9:36। ठीक है तो उससे पहले गर्मी बढ़े, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, रुकने पे ही पूरा पसीना पसीना हो रहा है अंदर, तो उससे पहले गर्मी ज़्यादा बढ़े हम ये कोशिश करेंगे कि 11:30 तक जितना डिस्टेंस हो सके कवर कर लिया जाए। फ्यूल करवाएंगे आगे थोड़े चल कर, फिलहाल अभी फ्यूल है तो आगे चलेंगे और फ्यूल करवा लेंगे। मैंने बोला है 50 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भारत पेट्रोलियम दिख जाए, मतलब मेरे में तो फिलहाल अभी है, हालांकि यहाँ पे 13 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है कि आपका जो बाइक है वो सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। इतना तो आइडिया मिल गया है, 10,000 किलोमीटर रन को धड़ाधड़ मैंने निकाल दिया 3 महीने के अंदर अंदर, तो ये तो आइडिया हो गया है कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। भाई साहब यहाँ पीछे तो हो रखा है एक्सीडेंट, हालांकि पता नहीं कहाँ किसी ने मारा नहीं है, मुझे लग रहा है डिवाइडर पे लग गया शायद, आई होप कि कोई घायल ना हुआ हो। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है सब सेफ है, बहुत मेजर नहीं है, चोट थोड़ा बहुत लगा तो होगा इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान देना पड़ता है यार राइडिंग में, बहुत ही संभल के और ध्यान से राइड करना पड़ता है, एक भी गलती आपकी या किसी की, अगर आपकी गलती ना भी हो सामने वाले की कोई गलती हो तो वो आप पे भारी, किसी पे भी भारी पड़ सकता है। तो इसलिए खुद तो अच्छे से राइड करो ही करो, और सामने वाले भी, मतलब देखो अगर हर कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से राइड करेगा ना तो आई होप कि किसी को कुछ नहीं, मतलब देखो खैर इस पर क्या ही मैं अब ज्ञान पे लूँ यार। भाई गर्मी तो बढ़ रहा है, फ़ोन डेड हो गया, डीसी का चार्ज नहीं था फुल उसका फ़ोन, मेरे में 54% है अभी, अभी और खींचेंगे यहाँ से 195 किलोमीटर और है, 3 घंटा 13 मिनट का राइड यहाँ शो कर रहा है। ठीक है कोशिश करते हैं और 30-40 किलोमीटर खींचते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है भाई, तो पैर में फिर गर्मी लगने वाला है भयंकर। तो यार फिर से मैंने मैप देखा नहीं, मैंने मैप एक्चुअली देखा लेकिन ना ये धूप के कारण ना रिफ्लेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा,
ये वाला भैया, थैंक यू ना। आपका नाम क्या है? रमजान। आपका भी आएगा, थोड़ा लेट से आएगा लेकिन ठीक है, थैंक यू ब्रदर। तो भाई ने हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब कर दिया और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो आप सब। तो अभी हमने लगभग अपना 50% डिस्टेंस कवर कर लिया है और यहाँ से और बच गया है कितना, सही से दिख नहीं रहा है, यहाँ से और बच गया है 172 किलोमीटर। पीछे जो साइकिल से जा रहे थे ये सारे के सारे फॉरेनर्स थे और भाई साइकिल से कर रहे हैं, एक 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 बंदा तो बिना टी शर्ट का ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना धूप में भाई साइकिल से क्यों क्या। ये देखो ये सारे जो लेफ्ट से आ रहे हैं इनका भी एक अलग ही स्वैग है, मे बी साइकिल राइड कर रहे होंगे। बढ़िया है, करना भी चाहिए साइकिल राइड, हमसे तो भाई साइकिल राइड नहीं हो पाएगा। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे और रह गए हैं 170 किलोमीटर और बच गए हैं टाइम लगभग 2.5 घंटा का और राइड है अपना, 2 घंटा 40 मिनट के आसपास का और राइड बाकी है अपना। तो अभी हमने जो वो डी ब्रेक लिया था उसके बाद से कहीं ब्रेक लिया नहीं है, हमारी कोशिश है जितना हो सके उतना राइड कर लेने का। और अभी धर्मेंद्र का जो पेट है वो भी सही है तो इस कारण से राइड भी वो भी खींच रहा है तो मैं भी खींच रहा हूँ भाई। चलो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं खींचने में, मुझे लगता है मेरे को तब आदत हो गया है, 100-150-200 किलोमीटर तो नॉनस्टॉप चला दूंगा अगर अच्छा रास्ता मिल जाए तो, ख़राब रास्ता मिल जाए तो भाई नहीं हो पाएगा। डीसी सारा कर रहा है ब्रेक लेने का, मतलब अभी मैंने जस्ट बोला थोड़ी देर पहले कि पेट से ठीक लग रहा है उसका, मुझे लगा कुछ किलोमीटर खींच लेगा लेकिन डीसी ने ही सारा कर दिया। क्या दिखा रहा है, यहीं लग गया क्या इसको, हाँ दो नंबर, अरे यार दो नंबर लग गया इसको। खाओगे तो बताओ, पूछ लेते हैं कुछ है तो ठीक है ना, तो मैगी मिल जाए तो चलेगा। चलो मैगी खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं क्योंकि डीसी बोल रहे हैं रोटी वोटी खाएंगे नहीं, पेट सही नहीं लग रहा। चलो ठीक है यार मैगी खा लेते हैं, हल्का हल्का रहेगा एंड उसके बाद घर चल कर ही खाया जाएगा। तो यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट या फिर छोटा सा ब्रेक ख़त्म हुआ, मस्त मैगी खा लिया हम लोगों ने और यहाँ से 130 किलोमीटर भरतपुर है। अब प्लान तो ये बन रहा है, ये धूप तो काफ़ी तेज हो गया है, गर्मी तो लगना शुरू हो गया है ज़बरदस्त वाला, बट हाँ यहाँ से प्लान बन रहा है कि अब चलते हैं मस्त सीधे भरतपुर रुकेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अब कल सुबह सुबह भी मेरे को राइड करना होगा। अभी यहाँ से 2 दिन बैक टू बैक राइड चलेगा भयंकर वाला एंड कल सोलो राइड होगा मेरा, कल से 2 या 3 दिन सोलो राइड होगा क्योंकि कल मुझे निकल जाना होगा अपने घर के लिए, काफ़ी टाइम हो गया घर नहीं गया। ओके तो यहाँ से मैंने मैप फ़िलहाल हटा दिया है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फ़ोन भी काफ़ी हीट हो रहा है, तो अभी मैप पे सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल कल भी राइड पे निकलना होगा तो मेरा प्लान था वैसे कि कल रेस्ट कर लेंगे एंड रेस्ट करके राइड पे जा सकते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी घर भी पहुँच जाऊँगा तो सही रहेगा क्योंकि काफ़ी काम पेंडिंग है एंड यहाँ पे ब्लॉग एडिट हो नहीं पाएगा, बड़े बड़े फाइल है और सब कुछ फ़ोन के नेट से अपलोड करना पड़ रहा है तो मेरे को थोड़ा क्वालिटी जो है ना वो कम करके मेरे को एक्सपोर्ट लगाना पड़ रहा है और अपलोडिंग में यूट्यूब पर। तो घर चले जाएंगे तो वहाँ क्या है वाईफाई वगैरह है मस्त अपना,
तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग का कोई टेंशन नहीं, और फेसबुक पे भी अब अपने ब्लॉग्स को अपलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आप यूट्यूब से ज़्यादा प्रेफर फेसबुक यूज़ करना करते हो तो, या जो भी आपके दोस्त हैं जो फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको आप हमारा ब्लॉग सजेस्ट कर सकते हो। इससे क्या है कि आपके भाई को हेल्प मिल जाएगा। तो फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे, लेकिन वो वीडियो जो अपलोड होगा पहले लद्दाख सीरीज से अपलोड करना मैं शुरू करूँगा। तो लद्दाख वाला पहले मैं सारा वीडियो अपलोड करूँगा फेसबुक पे, देन राजस्थान सीरीज तब तक आप यूट्यूब पर देख चुके होंगे। लेकिन जो लोग यूट्यूब पर नहीं देखते, फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा हमारे फेसबुक पेज का। तो भाई साहब डीसी को आ रही है नींद मैगी खाने के बाद। मैंने बोला ठीक है भाई चाय पी लो, चाय पी लो चाय। है गर्मी लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, क्या बताऊँ यार, राइडिंग जैकेट पहन पहन के हालत ख़राब है। 80 किलोमीटर और है यहाँ से, ठीक है आराम आराम से चलते हैं, गर्मी ने हालत ख़राब कर रखा है। पानी भी पी के थक गए हैं, ना टॉयलेट लग रहा है, बस प्यास पे प्यास लगे जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है पानी। तो यार अब लगभग भरतपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन यार मुझे एक चीज़ का बुरा लग रहा है, मैं बहुत देर से राइड करा जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं स्लो हो गया था बीच में क्योंकि राइडिंग करने का मन नहीं कर रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन लग रहा है पैर हाथ में। एक होता है ना एक टाइम आप थक जाते हो ना, तो थोड़ा सा चीज़ भी ना आपको तो थोड़ा सा इशू भी आपको प्रॉब्लम देता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि टंकी वाइब्रेट कर रहा है, हैंडल फुट मतलब पैर वैर अब चलाने को इतना मन कर नहीं रहा राइड करने का आज, ठीक है। और कल भी राइड करना, देखते हैं कैसा आज बॉडी क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग कल करेंगे। लेकिन यार मुझे बुरा इस बात का लग रहा है ना कि यार डीसी ठीक है, तुम्हारा पेट ख़राब है यार डीसी, तुम इस ब्लॉग को देख रहे होगे मुझे पता है, ठीक है तुम्हारा पेट ख़राब है। मैंने बोला था वहीं पे अगर लग रहा है ऐसा तो दिक्कत तो वहीं पर हो जाओ, लेकिन तुम हुए भी नहीं। और फिर अभी क्या हो गया है, और अभी क्या है कि वो यार यहाँ से लगभग अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास है भरतपुर। अब मुझे लग रहा है कि यार वो निकल गया, कल्टी मार दिया उसने पहले ही। तो यार ये बात का मुझे बुरा लग रहा है यार। मानता हूँ कि यार ठीक है पेट ख़राब है, कभी भी प्रेशर बन सकता है आ सकता है, लेकिन यार क्या बोला जाए। तो भैया हो गया अब एंट्री डीसी के घर में, क्या हो गया इसको, मतलब घर में एंट्री नहीं हुआ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, डीसी के गांव में एंट्री हो गया हमारा। और देख सकते हो कैसा धूला, जैसा छोड़ कर गए थे हम वैसे ही दोबारा है। और इसी के साथ जो हमारा राजस्थान का जो राइड है वो हो जाएगा ख़त्म। काफ़ी अच्छा राइड रहा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस राइड में, लिटरली मैंने काफ़ी इंजॉय करा। उम्मीद है आपने भी अच्छा खासा इंजॉय तो किया होगा यार, कोशिश तो हमने पूरा किया कि आपको जितना हो सके उतना इंजॉय कराया जाए। बड़ा फिर भी कहीं कुछ कमी रह गया हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा अगर हो पाएगा तो उसको दूर करने का अपने अगले राइड में। नेक्स्ट राइड कहाँ कहाँ होगा क्या होगा वो तो अब सोलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से तो कोई पार्टनर मुझे मिलने वाला है नहीं जमशेदपुर जाकर, तो वो तो अपना सोलो राइड होगा, तो उसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे। फ़िलहाल पहुँचते हैं फटाफट घर, नहाते हैं चाय वाय पीते हैं और वही पैकिंग करते हैं शुरू, क्योंकि अभी भी आराम नहीं मिलने वाला है, आराम मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है अभी भी।